तो ये सब लोग अपने बर्थडे पार्टी साथ में दोस्तों के साथ आ रहे हैं, हैंग आउट करने, चिल करने, तो आप इधर आ सकते हो। एक और रील थी उसमें लिखा था ना, टेलर स्विफ्ट कम टू इंडिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग, होप करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे। थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे मैं कहाँ पे आया हूँ। ये जो मेरे पीछे आप लोग जगह देख रहे हैं, ये चंपा गली, एक्चुअल में फेमस ये इस वजह से हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी इसे देखा होगा, और जो मेन जो मूवी है जिससे फेमस है वो है लव आजकल, उसमें ये गली दिखाई है। अभी तो फिलहाल भीड़ नहीं है क्योंकि अभी मैं थोड़ा जल्दी आ गया, अभी 4 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद इधर तगड़ा क्राउड होने वाला है, जैसे लोग आने लग गए हैं, बट अभी सब धूप इतनी ज़्यादा, सब छाँव में ही खड़े हुए हैं। तो अभी मैं आके वो चंपा गली और थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। लेकिन ये है कि एम्बियंस इधर का काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत ही मस्त है। तो ये आप लोग अपने बर्थडे पार्टी साथ में दोस्तों के साथ आ रहे हैं, हैंग आउट करने, चिल करने, तो आप इधर आ सकते हो। ब्लू टॉका है, तो समझो धूप के चक्कर में वीडियो तो अच्छी बन रही है, लेकिन मेरी हालत देखो, बस बाकी सब मस्त है। अभी मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि जाऊँगा कैफे, सब बढ़िया है, लेकिन जिसमें आता वो अभी थोड़ा सा फुल है। और अब देखो थोड़ी 5-10 मिनट पहले मैं दस से गया था तो इतने कम लोग थे, अभी देखो मस्त अब ज़्यादा ज़्यादा से लोग आ गए। सो बहुत देर घूमने के बाद फाइनली हमने डिसाइड करा है जाने का जगमग कैफे, जो कि यहाँ पे बहुत ही फेमस है, मतलब ऐसा मैंने सुना है। तो इसके अंदर चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और बताते हैं इसका खाना और इसका ओवरऑल रिव्यू देखते हैं कैसा है। फिलहाल जो मैंने अभी ऑर्डर करा है वो है एक स्मूदी, स्ट्रॉबेरी स्मूदी, और एक दूसरा ये है नींबू पानी, अरे क्या बोलते हैं इसे, वर्जिन मोहितो, जो कि अराउंड मुझे पड़े हैं टोटल 275 समथिंग कुछ की पड़ी है स्मूदी, और 130-150 के अराउंड ये नींबू पानी, वर्जिन मोहितो क्या बोलते हैं इसको। सो ये है, बाकी मैंने एक पिज्ज़ा मंगाया जो कि मुझे मतलब लगभग 300-350 के अराउंड ये पड़ा है मुझे, जो कि मेरे हिसाब से रीज़नेबल है। टेस्ट भी मैंने अभी पिज़्ज़ा खाया और टेस्ट इसका सच में बहुत ही अच्छा था, स्मूदी भी बहुत तगड़ी, नींबू पानी थी एज यूजल जैसा होता है वैसा, और पिज़्ज़ा बहुत अच्छा था। तो जिस हिसाब से रेट है उस हिसाब से टेस्ट बहुत ही तगड़ा है, तो आप इधर आके ट्राई कर सकते हैं, इधर का खाना बहुत ही टेस्टी है। तो चलो चलते आगे बढ़ते और आगे की चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइज मैं आ गया हूँ बाहर कैफे से, मस्त खाना वाना सब एकदम खा लिया, पेट हो गया फुल, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, खाना भी अच्छा था, लोकेशन भी एकदम प्राइम है। तो आप लोग आके तो ट्राई कर सकते हो, आप लोग आ सकते हो। अभी मैं निकल रहा हूँ घर के लिए अभी, लेकिन मैं टाइमली फ्री हो गया तो और एक दो जगह और जाऊँगा, फिर देखेंगे आगे क्या करते हैं। दोस्तों मैं आ चुका हूँ सीपी, मैं भी आप देख ही सकते हो मौसम हो रहा है इतना तगड़ा, बस बारिश हो जाए, बारिश की खोज में मैं यहाँ तक पहुँच गया, बारिश अभी तक हो नहीं रही। उतरी
गाइस ऐसे रोड क्रॉस करना बेकार है, सबवे का यूज़ करो। वैसे तो मैं सबवे यूज़ कर रहा था बट कोई नहीं, ये एक्सक्यूज ही बॉस है ना। इसमें मैं 2016 में आया था, 15 या 16 में अपने बॉसेस के साथ प्लीज। सो दोस्तों मैं अभी सीपी की मार्केट में घूम रहा हूँ, बट एक अच्छा बदाम वाली लड़की सो बहुत ह्यूमिडिटी हो रही है भाई। सोच के आया था कि यहाँ पे थोड़ा मौसम सही मिलेगा, बारिश हो जाएगी, बट ये हो रहा है। गर्दी इतनी है, भीड़ इतनी है, पसीने वाले सबके कुत्ते खुले पड़े हैं। आंटी का तो मेकअप भी उतर गया पसीने से। सो मुझे लग रहा है मुझे निकल जाना चाहिए यहाँ से, बहुत पसीने आ रहे हैं भाई, बहुत गर्मी लग रही है। भाई साहब ये बंदा चाय बेचता था, बहुत अच्छी चाय बनाता है, इसलिए इतनी भीड़ है इधर। ये था स्टारबक्स, ये था अपना पालिका बाज़ार की पार्किंग, ये था अपना पालिका बाज़ार। बस देर नहीं हो गया बहुत ज़्यादा, बोला भी ज़्यादा अब तो लग रहा है मुझे इस भीड़ में जाना नहीं चाहिए, मैं बेहोश हो जाऊँगा। ओ भाई सब लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शोरूम के बाहर खड़े हैं, क्योंकि अंदर से एसी की हवा आ रही है ना, तो उसके मज़े लेते हैं। ह्यूमिडिटी इतनी हो रही है गाइस, सब शो जितनों को भी देखो सब अपना मुंह साफ करते रहे, गर्मी इतनी हो रही है, किसी को भी देख लो। अरे अभी वो लेडी गई, अरे भाई सबके मुंह पे चिपचिपाहट दिखेगी आप, चिपचिपाहट। सिटी में जैमिंग चल रही है, तो ये तो जैमिंग वैमिंग करते ना, एक और रील थी उसमें लिखा था ना Taylor Swift come to India, Taylor Swift come to India, देख लो हर एक कट पे। अभी एक बांसुरी वाले को और एक गिरगिराज, इसको तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करा है, ये तो चौथा पांचवा बंदा दिखा है। तो कहने मतलब है अच्छी बात है, मतलब मेरे हिसाब से मैं इन चीज़ों को मैं सपोर्ट करना बंद कर दिया मैंने, क्योंकि भाई की फोटो में मैंने हाथ दिखा दिए, जैसे कि इसमें से एसी की हवा आ रही है, तो ये दोनों आंटियाँ तो जामुझ के तरी खड़े होकर थे, कुछ 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 बहाने से रुके हुए थे एसी की हवा खाने के लिए। भाई साहब कुछ लेना नहीं थे, बस हवा हवा दे दे, हवा लेने के लिए खड़े हो गए। उसने गेट खोल रखा है ना पहले जब अंकल जी ने, सर गए भी इधर ही हो गए, क्या करें हम तो देसी आ गए। देखो मैं कितना दिमाग चलाते, वो तो जब मुझे कह रही ओ यहाँ पे वहाँ पे दूसरी वाली कह रही चल चल चल, हो गया। कैसे है भाई यहाँ पे अंकल जी, कुछ लोगों ने अपने शोरूम के गेट बंद कर रखा है इसी चक्कर में, जैसे इसमें भी जिन्हें चालाकी पता चल गई ना, उन्होंने गेट बंद कर रख रखे अपने, इतने वाले गेट के आगे भीड़ लगाई है। अरे भैया सो गाइस मैं फाइनली घुमाया, अब मैं जा रहा हूँ अपने घर की ओर। तो बारिश के वेट कर रहे थे, बारिश तो हुई नहीं, बट अच्छा ठीक है, एंजॉय कर लिया हमने। सो ये था आज का ब्लॉग, आज मैं चंपा गली गया, बहुत अच्छी जगह थी, आप विजिट कर सकते हैं, मस्त, ज़्यादा पैसे भी लगेंगे, नॉर्मल रीजनेबल रेट पर खाने का, खाना एक नंबर। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सो ऑन इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, So that's it for today guys. See you on next vlog. तब मंबल कर रहा हूँ मैं. So that's it for today guys. See you on next vlog. तब तक के लिए peace out.